हेलो, गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू द क्लास। नाउ वी हैव गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ओके, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर डू यू नो? How many parts of a computer? There are four main parts of a computer. There are four main parts: monitor, CPU, keyboard, and mouse. These are main parts of a computer. But in this chapter, we have know about more parts of a computer. Okay? Let's start. Our first topic is parts of a computer system. Parts of a computer system. All these parts are connecting together with wires to make a computer work. ये सारे parts connect होते हैं जब तो computer system work करता है. These devices together make the computer system. जब ये सारे device साथ में होते हैं तो ये computer system कहलाता है. Like our body has different parts. Computer also has different parts. These parts perform different functions. Okay, जैसे कि हमारी body होती है तो हमारे parts हैं hands, eyes, nose, tongue, leg. These are the different parts ना? तो ऐसे ही computer के पास भी होते हैं keyboard, monitor, mouse, speaker, है ना? These are ऑल्सो अ कंप्यूटर पार्ट्स. ओके, जैसे कि हमारे पार्ट्स अलग काम करने के लिए बने हुए हैं. आंखों से हम देखते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, और जीभ से हम टेस्ट ले पाते हैं, पैरों से चलते हैं. तो हमारे पार्ट्स भी अलग अलग फंक्शंस पर वर्क करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं ना. तो इसी तरीके से कंप्यूटर के पार्ट्स भी अलग अलग चीजों के लिए वर्क करते हैं. लाइक कीबोर्ड आपका किसी भी चीज वर्ड को, अल्फाबेट को, किसी भी सेंटेंस को टाइप कर सकता है. माउस से आप किसी भी फोल्डर को, किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खींच सकते हैं. मॉनिटर स्क्रीन पर आपकी पिक्चर्स दिख सकती हैं, आप मूवीज देख सकते हो मॉनिटर स्क्रीन पर, है ना. और सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सारी ही चीजों को, सारे डाटा को, आप लोग का, आपके इंफॉर्मेशन को, वो सीपीयू के अंदर स्टोर होता है. तो सीपीयू एक तरीके से हमारा ब्रेन होता है कंप्यूटर का. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अवर फर्स्ट पार्ट इज माउस. माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इट हैज टू बटन एंड अ व्हील इन द सेंटर. ओके, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है. इसके थ्रू हम किसी भी कैरेक्टर को या फिर थिंग को पॉइंट आउट कर पाते हैं. इसमें दो बटन होते हैं और एक व्हील होती है. ओके, लाइक यू कैन सी इन द बिलो इमेज. जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हो, नीचे इमेज में आपको माउस की वायर दिखाई गई है, राइट और लेफ्ट बटन दिखाए गए हैं, और स्क्रोल व्हील दिखाई गई है जो कि माउस के सेंटर में है. ओके, इट इज यूज टू पॉइंट आउट एट कैरेक्टर्स और थिंग्स ऑन द कंप्यूटर. ओके, इसमें क्या कर सकते हो आप? किसी भी कैरेक्टर और किसी भी थिंग को पॉइंट आउट कर सकते हो मॉनिटर स्क्रीन पर. ओके, यू कैन सिलेक्ट और क्लिक एंड इवन ड्रॉ ऑन द मॉनिटर स्क्रीन विद द माउस. आप इसमें कुछ भी चीज क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, इवन ड्रॉ, आप उसमें ड्रॉ भी कर सकते हो मॉनिटर स्क्रीन पर. किसकी मदद से? माउस की मदद से. ओके, माउस इज ऑल्सो यूज फॉर ड्रैगिंग और मूविंग थिंग्स और द मॉनिटर. आप इसके थ्रू किसी भी इमेज को नीचे ला सकते हो, एक पेज से दूसरे पेज पे ला सकते हो, और इसको बड़ा छोटा किसी भी तरीके से कर सकते हो विद अ माउस, यूजिंग विद अ माउस. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज कीबोर्ड. There are many keys on the keyboard. You can type alphabets, numbers, and symbols by pressing these keys. Whatever you press a key, the same character is typed and displayed on the monitor. आप
कीबोर्ड के थ्रू कोई भी अल्फाबेट नंबर सिंबल्स कुछ भी प्रेस कर सकते हो, और जो भी आप प्रेस करोगे कोई भी अल्फाबेट नंबर या फिर की, कोई भी की प्रेस करोगे तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा मॉनिटर स्क्रीन पर. ओके, सेम कैरेक्टर अगर आप ए प्रेस करते हो तो मॉनिटर स्क्रीन पर ए प्रेस हो जाएगा. ओके, और इसके अंदर बहुत सारी कीज होती है लाइक एंटर की, स्पेस बार की, अल्फाबेट की, नंबर की, डिलीट की, बैकस्पेस की, एंड दीज कीज आर यूजिंग फॉर अदर पर्पस. लाइक स्पेस बार की को आप किसके लिए यूज करते हो, किस पर्पस के लिए यूज करते हो, स्पेस देने के लिए. एंटर की को आप एक लाइन से दूसरी लाइन में आने के लिए यूज करते हो. ऐसे अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, इन सब चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सीपीयू. CPU is also known as the central processing unit. It is the brain of the computer. ये central processing unit के नाम से भी जाना जाता है और ये computer का brain कहलाता है. CPU controls the functions of different parts of the computer. ये control करता है different parts के computer के. ठीक है, इसमें ये इसमें एक ऑन और ऑफ का बटन होता है, इसमें डीवीडी ड्राइवर होता है, और ये आपके वायर जितने भी वायर्स के साथ कनेक्ट होता है वो इसी के साथ कनेक्ट होता है. सीपीयू के साथ सारी वायर सीपीयू के साथ ही कनेक्ट होती हैं. ओके, आपको नीचे इमेज में दिखाया गया है डीवीडी ड्राइवर कैसा होता है और पावर बटन कहाँ होता है. ओके, नेक्स्ट इज मॉनिटर. The monitor is like a television screen. It display picture or words. Computer किस तरीके से दिखता है monitor? Monitor आपको television screen की तरह दिखता है. वो हमारे लिए display करता है किस चीज को, pictures को, words को. इस पे हम किसी भी तरीके की pictures, cartoons, movies कुछ भी देख सकते हैं. तो वो आपको show किस पर होता है? Monitor पर. Okay? ये हमें किसकी तरह दिखता है? लगता है टेलीविजन स्क्रीन की तरह लगता है. यू कैन वॉच कार्टून्स एंड फिल्म्स ऑन द मॉनिटर. आप इसमें कार्टून्स, फिल्म्स, मूवी और भी सारी चीजें देख सकते हो. आप इसमें गेम भी खेल सकते हो. यू कैन यूज इट ऑन टू प्ले कंप्यूटर्स गेम टू. आप इसमें गेम्स खेलने के लिए भी यूज करते हो, और गेम्स की जो पिक्चर्स होती है वो किस पे शो होती है आपको? मॉनिटर पर. ओके, मोर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इसमें और भी बहुत पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. फर्स्ट इज स्पीकर. स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू द साउंड एंड म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर. इसमें आप कंप्यूटर पर म्यूजिक सुन सकते हो स्पीकर के थ्रू. ओके, हेडफोन्स. हेडफोन्स कंटेन स्मॉल स्पीकर्स. Only the person who is wearing headphone can listen to the sound. जो person इसको wear करता है, पहनता है, वही लोग, वही person इसकी volume को आवाज सुन सकता है. Microphone. Microphone works like a mic. It is used to record sound into a computer. Microphone के through हम क्या कर सकते हैं? आवाज record कर सकते हैं, और ये mic की तरह काम करता है, mic की तरह होता है. माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स टुगेदर फ्रॉम द साउंड सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर. ये हमारे कंप्यूटर के साउंड सिस्टम कहलाते हैं. ओके, साउंड सिस्टम होते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंटर. प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक आउट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर. जो आप काम कंप्यूटर पे करते हो, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, किसी भी फाइल में आप अपना कोई भी डाटा सेव करते हो, अगर आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए होता है तो वो हम प्रिंटर के थ्रू ले सकते हैं. ओके, द कॉपी ऑफ द प्रिंटर वर्क टेकन ऑन द पेपर इज कॉल्ड. जब आप कोई भी काम पेपर पर लेते हो प्रिंटर के थ्रू तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंट आउट या फिर हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी. ओके, नेक्स्ट इज वेब कैमरा. वेब कैमरा, इट इज अ कैमरा अटैच टू ए कंप्यूटर. इट इज यूज टू टेक लाइव इमेज. वेब कैमरा इज कॉल्ड अ वेब कैम. आप वेब कैमरा से क्या करते हो? ये कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और इसके थ्रू हम लोग लाइव लोगों को देख पाते हैं.
हम एक दूसरे से लाइव बात कर पाते हैं, जैसे कि हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं, इस तरीके से हम वेब कैमरा के थ्रू बात कर पाते हैं, और वेब कैमरा को वेब कैम भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। दीज डिवाइस आर ऑफ मैनी टाइप्स। इसमें हम स्टोर इंफॉर्मेशन करते हैं, इसलिए हम इसको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, और ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लाइक हार्ड डिस्क। इट इज लाइक अ स्मॉल बॉक्स एंड इज यूजली फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू। ये एक छोटे बॉक्स की तरह होता है और ये सीपीयू के अंदर फिट होता है। ओके, व्हेन वी सेव अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर, ऑन द कंप्यूटर इट इज स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं, कोई भी डाटा सेव करते हैं, तो वो कहाँ जाता है? हार्ड डिस्क के अंदर। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। द एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज द सेम एज हार्ड डिस्क एक्सपेक्ट दैट इज द अटैच आउटसाइड द सिस्टम यूनिट एंड कैन बी अर्लियर कैरी फ्रॉम अ वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल डिवाइस सेम ना हार्ड डिस्क की तरह होती है, बट उसको क्या होता है कि हमारी हार्ड डिस्क सीपीयू के अंदर फिट होती है, बट ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सिस्टम के बाहर से अटैच हो सकती है, और आप इसको कहीं भी आराम से ले जा सकते हो, जबकि हार्ड डिस्क को आप नहीं ले जा सकते हो, वो क्योंकि सीपीयू के अंदर फिट होती है, तो सीपीयू नहीं उठा सकते हो, तो हार्ड डिस्क नहीं निकाल सकते हो, है ना। बट एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को हम कहीं भी आराम से ले जा सकते हैं, कितना भी डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। सीडी एंड डीवीडी। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी स्टैंड फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। दीज आर मैनुअली यूज्ड टू स्टोर म्यूजिक वीडियोस एंड डाटा फाइल्स। डीवीडी कैन स्टोर मोर डाटा देन ए सीडी। हम क्या कर सकते हैं सीडी में, हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम मोस्टली म्यूजिक वीडियोस फाइल्स ये सब यूज कर सकते हैं, जबकि डीवीडी में हम सीडी से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, सीडी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी को बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। ओके, पेन ड्राइव। इट इज अ स्मॉल बार शेप्ड स्टोर डिवाइस। इट इज इजियर टू यूज टू कैरी एंड इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लैश ड्राइव। इसमें क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है और इसको आप इजीली कहीं भी पॉकेट में रख के ले जा सकते हो, आप अपने छोटे पर्स में रख के ले जा सकते हो, बहुत इजी होता है इसको कैरी करके ले जाना, और इसमें हम बहुत सारा डाटा एक साथ सेव कर सकते हैं, इसलिए इसको फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। ओके, फ्लैश ड्राइव। ओके, सो नाउ थैंक यू, इट्स टाइम टू से बाय बाय।